अरे मैं मुंह हिला रही थी, मुझे उसका चादर तकिए अलग ही पड़ा है, चादर नहीं मिला। पर पिंक के बाद पिंक, ओके वेरी क्लीन है स्टिल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। एंड आज है ईद, आप में से जिन सभी ने रोज़े रखे हैं आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बच्चे लोग का रूम ठीक हो रहा है, यहाँ पर चादर बदल रही हूँ, वो लोग वैसे खुद ही बदल लेते हैं, कभी कभी बस मेरा ही मन आता है कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि अब है ना बहुत ज़्यादा वक्त वो लोग पढ़ाई में देने लगे हैं, या तो बाहर रहती हैं और घर पे भी आती हूँ तो होमवर्क कंप्लीशन ये वो काम लगा रहता है। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि थोड़ा उनके अराउंड रहूँ। दे आर ग्रोइंग लाइक वेरी विटी, बहुत ही फनी। वी ऑल लव क्लियर ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन, जैसे कोरियन मॉडल्स की होती है ना ग्लास स्किन। और ग्लास स्किन देता है एक अमेजिंग इन्ग्रीडियंट और वो है राइस। जी हाँ, दे अप्लाई राइस वाटर ऑन देयर फेस। राइस वाटर यानी चावल का पानी जब आप आपके चेहरे पे लगाते हो ना तो इट कीप्स योर स्किन हेल्दी एंड गिव्स इट अ ल्यूमिनस ग्लो। सिंपली चावल को उबालने के बाद जो राइस वाटर मिलता है ना उसे चेहरे पर अप्लाई करना है और आपको मिलेगी टाइटर, हेल्दी एंड ग्लोई स्किन। तो ये DIY है तो बहुत कमाल का, लेकिन ये एक कम्बरसम टास्क है। रोज़ आप राइस कुक भी नहीं करते हो ना, तो मेरे पास है आपके लिए एक क्विक एंड कन्वीनियंट सोल्यूशन। ये है मामाअर्थ की राइस वाटर फेस रेंज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस वाटर एंड नायसनामाइड दैट गिव्स यू क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन नेचुरली। इस रेंज में है दो प्रोडक्ट्स, राइस वाटर फेस वॉश दैट डीपली क्लेंजेज द ग्रीज वाइल लीविंग योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश एंड हाइड्रेटेड। इट हैज गुडनेस ऑफ राइस एंड नायसनामाइड, इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड टू। और दूसरा है ये राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन दैट प्रोटेक्ट्स योर स्किन from sun and brightens your skin. It gives UVA and UVB protection. It has SPF 50 and PA++ protection. It has goodness of rice and niacinamide. It's very lightweight and a non-sticky formula and it leaves no white cast. Rice water skin ko clarify karta hai aur collagen production ko stimulate karta hai, jisse aapko milti hai glass-like skin. Aur niacinamide help karta hai dead skin cells ko remove karne aur open pores ko minimize karne mein, unveiling fresher and healthy स्किन। मैंने लिया ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज टू सी इट्स रिजल्ट ऑन माय स्किन। मैंने अपनी डल एंड ड्राई स्किन पर यूज करना शुरू किया मामाअर्थ राइस वाटर फेस रेंज। ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्टली मैं अपने फेस को वॉश करूंगी मामाअर्थ राइस फेस वॉश के साथ एंड देन आई विल अप्लाई मामाअर्थ राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन। ऑन डे वन आप देख सकते हो माई स्किन लैक्स हेल्दी ग्लो एंड इट्स डे 7। राइस वाटर फेस रेंज यूज करके आई अचीव क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन नेचुरली एंड इन मोर कन्वीनियंट एंड क्विक अवे। अगर आप भी पाना चाहते हैं ग्लास स्किन तो आप खरीद सकते हैं ये प्रोडक्ट। आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो फ्रॉम मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से, क्योंकि वहाँ से जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो आप यूज़ कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ Neelam2024। इसका यूज़ करने से आपको मिलता है आपके ऑर्डर पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa एंड नाउ इन स्टोर्स नियर यू। ऑल्सो ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स। और जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस गुड इनिशिएटिव, लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट दोपहर का ही टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में, लंच नहीं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड एक्चुअली जा रहे हैं ट्रिप पे ऑफिस के लोगों के साथ, तो उनके लिए थोड़ा चीज़ें मैं बना करके दे रही हूँ जो वो साथ ले जा सकें। वैसे तो हर चीज़ हर जगह आजकल अवेलेबल होती है, बट घर की कुछ एक चीज़ें साथ हों तो अच्छा लगता है। एंड वो इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा फ़्लाइट में क्या ले जा सकते हैं उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना होगा। सब्ज़ी वगैरह के लिए उन्होंने मुझे मना ही कर दिया था कि वो सब मत देना, तो मैं क्या क्या बना रही हूँ वो सभी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, हो सकता है आपको भी कुछ आइडिया मिल जाए। मैंने यहाँ पे 4 कप फ्लावर ले लिया है, मैंने तो ऑल पर्पज़
फ्लावर लिया है, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है इसको थोड़ा सा सॉल्टी बनाने के लिए, और 2 टीस्पून ही मैं इसमें एक्टिव यीस्ट डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने पाउडर्ड शुगर ऐड किया है। पाउडर्ड शुगर वैसे तो मैं फुकाशा बना रही हूँ, इट्स अ सेवरी ब्रेड, इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है, बट जो यीस्ट है उसको अच्छी तरह से ब्लूम होने में शुगर हेल्प करती है। ईस्ट फीड्स ऑन शुगर, तो इसके लिए शुगर मैंने थोड़ा ऐड किया है। एंड ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी। जो ऑयल था ये ऑलिव ऑयल था एक्स्ट्रा वर्जिन, तो मैंने वो 2 टेबलस्पून ऐड किया था। साथ ही मैं यहाँ पे 2 कप वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा आप छोटी उंगली से फील करके देख लीजिएगा, अच्छा मीठा सा पानी होना चाहिए। मीठा एज ए नीम गरम कहते हैं इसको, जो आपको ठंडा भी ना लगे और एकदम गरम गरम भी ना फील हो। और इसके बाद फिर इसको मिक्स कर दीजिए सारे जो आपके ड्राई इन्ग्रीडियंट्स थे, और स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। अगर तो आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो ये सारा प्रोसेस उसमें करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा रहता है ना, तो उस बोल में अच्छी तरह से ये नीड हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो आप इस तरह स्पैचुला से कर सकते हो, हाथों से थोड़ा सा मुश्किल रहता है फोकाशा का ब्रेड नीड करना। बस इसे अच्छी तरह फोल्ड कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल रख दीजिए सो दैट इसमें क्रस्ट ना पड़े, एंड देन इसको बंद कर दीजिए। मैं क्लिंग फिल्म का क्लिंग रैप का यूज़ कर रही हूँ, आप थाली भी लगा सकते हो। एंड इसे अंटिल इट इज़ डबल्ड, आजकल तो बहुत गर्मी हो गई है तो 35-40 मिनट का ही टाइम इनफ रहता है, ये अच्छा राइज हो जाएगा। जब तक कि मेरा ब्रेड का डो राइज हो रहा है तब तक हम दूसरी रेसिपी बना लेते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड क्विक वाली रेसिपी है। ये आप बना करके रख सकते हैं ट्रैवल में कैरी करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी है ही, बट आप टिफ़िन भी इसे ले जा सकते हो, मतलब टिफ़िन में थोड़ा सा हेल्दी मंचिंग के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने मंगाए थे ये पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, मेरे ख़त्म हो गए थे पिछले व्लॉग में मैंने जो रेसिपी बनाई थी उसमें, तो मैंने नया लॉट मंगा लिया था। तो सभी चीज़ें मैं आई बॉल करके ले रही हूँ, एज सच कोई पक्के मेजरमेंट इसके नहीं है। तो मैंने यहाँ 4 एक जैसी कटोरियाँ ले ली हैं, एक में मैंने ऐड किया है पम्पकिन सीड और एक में ऐड किया है सनफ्लावर सीड। रिमेनिंग मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया है, इनको हमेशा फ्रिज में स्टोर करें सो दैट दे डोंट गो रैंसिड। मैंने साथ में ले लिया है थोड़ा से काजू और थोड़े बादाम भी। छन्नी सा है ना। सबसे पहले जो ये पम्पकिन सीड्स हैं इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, घी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्राई ही इन्हें भूने। और इसके बाद फिर जो सनफ्लावर सीड्स हैं इनको भी मैं ड्राई ही भून रही हूँ, और इनको ना थोड़ा सा भून लेने के बाद छान लेना सो दैट इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा सा पाउडर जैसा रहता है, गंदगी सी रहती है, छिलके से रहते हैं ना, वो सब निकल जाएंगे। तो जैसी छन्नी मैंने ली है, इस तरह की छन्नी आपके पास हो तो उससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं। फिर मैंने जो काजू हैं ये भून लिए हैं और इसको मैं घी में भूनूंगी। 1, ये घी में भुने हुए बहुत स्वाद लगते हैं। 2, मुझे थोड़ा सा घी इस रेसिपी में चाहिए, तो आई थॉट कि मैं घी अलग से ऐड करूँ, इससे अच्छा है मैं थोड़े से नट्स ही इसमें भून लेती हूँ। एंड मैं आपको दिखाऊंगी ये दोनों ही मैंने थोड़े से इस तरह छान लिए हैं तो कितना बारीक बारीक सा कचरा सा निकला है, वो सब मैंने फेंक दिया है। और ये सीड्स हो गए मेरे रेडी, काजू भुन गए हैं, ये मैंने ऐड करे हैं, साथ ही मैं भून लूँगी बादाम भी थोड़े से घी के अंदर। मैंने लिया है 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, थोड़ा सा काला नमक, ये वो मसाला बना रही हूँ मैं, मसाला मिक्स जो इस नमकीन में हम लोग मिक्स करेंगे। मेरे बादाम भी भुन गए हैं, ऐड किया है मैंने थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर। अब आपको लाल मिर्ची कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप ये सभी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और ये इतना बढ़िया मसाला बनता है ना, आप किसी भी नमकीन पर इसे स्प्रिंकल करके खाइए, इतनी स्वाद नमकीन बनती है। कढ़ाई मैंने वापस से साफ़ कर ली थी, ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा सा घी, और ये है ज्वार पफ, ये मैं इसके अंदर डाल करके भून लूँगी। मैंने इससे पहले बादाम भुने थे ना, और बादाम जब आप भूनते हो तो पता नहीं क्या थोड़ा ब्राउन सा कढ़ाई पे रह जाता है, हालांकि मैंने बादाम को टावल से अच्छी तरह पोंछ करके ऐड किया था, बट स्टिल वो थोड़ा सा डार्क कलर हो गया था, तो इसे मैंने वाइप कर लिया है। और ये ज्वार पफ बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने इनको भून लिया, ऐड किए हैं थोड़े किशमिश।
आप चाहे तो किशमिश को ना भूने, बट भूनने से क्या होगा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर इससे जो इसका सरफेस है वो अच्छा चिपचिपा हो जाएगा ना, तो मसाला इस पर फिर चिपक जाएगा। और बस ये हो चुका है और ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है। और मैं कर रही हूँ गैस बंद, मैंने गैस बंद कर दिया है। ये किशमिश पे थोड़े थोड़े स्पॉट आने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी पफ्ड आउट होने लगी हैं, तो अभी इसके अंदर सारी बाकी चीज़ें मिला देंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिला लेंगे क्योंकि कुछ चीज़ों में घी है और कुछ चीज़ों पे घी नहीं है, तो इसको टॉस करने से सब चीज़ों पे घी जैसा आ जाएगा। गैस बंद है एंड अब ये मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना, तो घी पे ये सारा मसाला चिपक जाएगा। इट्स अ वेरी गुड हेल्दी स्नैक, ये आप बना करके रख सकते हो और जब भी मंचिंग का मन करे तो आप इसे मंच कर सकते हैं। छोटे से डब्बे में डाल करके ऑफिस ले जा सकते हो, दिन में खा सकते हो, शाम की चाय के साथ खा सकते हो। मैं ये बनाती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो आपने देखा होगा मैं सीड्स की तरह तरह की नमकीन हर साल बनाती हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ। अभी हस्बैंड भी थोड़ा सा ले जाएंगे और फिर जो रिमेनिंग रहेगा वो घर में काम आ जाएगा। और मैंने इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करी हैं जो मेरी फैमिली को पसंद आती हैं। आप इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से चीज़ें माइनस भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। जैसे आप इसमें फ्लैक्स सीड्स मिला सकते हैं, फ्लैक्स सीड खाने का ये भी एक अच्छा तरीका है। थोड़े पिस्ते विस्ते मिला सकते हो, अखरोट मिला सकते हो, मूँगफली भी मिला सकते हो। तो जो दिल चाहे वो आप ऐड कर सकते हो, जो दिल ना चाहे वो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बोल रही थी ना कि ये सबको अच्छा लगता है, शी जस्ट टेस्ट इट। बताओ खुशी कैसा लगा? वेरी टेस्टी, शी लाइक्ड इट। मीठा तो मैंने बाबू इसलिए डाला कि बैलेंस हो जाए, वरना फिर ना वो लगता है गले में, और तीखा मैंने कम ही रखा है। वेरी टेस्टी, यू लाइक्ड इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो मैं बनाने लगी हूँ मसाला पूरी, और इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ हाफ कप के मेजरमेंट से ले रही हूँ, क्योंकि मेरा 1 कप का कप गंदा हो गया है। तो 1 कप मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है और इसके सामने 1/4 कप जितना मैं ले रही हूँ बेसन, कोई भी घर में बेसन अवेलेबल हो, मोटा सा बारीक सा वो आप ले लें, और थोड़ी सी सूजी लाइक 1 टेबल स्पून जितनी सूजी ले लीजिए। और ये सारी चीज़ें मिला करके साथ में मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि ये मसाला पूरी बन रही है ना, तो इसमें इसके साथ आपको ऐसा अचार सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती। हस्बैंड ने सब्ज़ी अचार वगैरह के लिए मना कर दिया था बिकॉज़ यू कांट कैरी दैट इन फ्लाइट, तो इसलिए आई थॉट कि मैं पूरी ही ऐसी बना देती हूँ जिसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। सबसे पहले ऐड किया है मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी, ऐड किया है मैंने थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, काफ़ी सारे मसाले इसमें जाएंगे। थोड़ा सा आमचूर का पाउडर ज़रूर से डालिएगा, अच्छा लगता है इसमें। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर है ना, आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट सारी ही वो वाली चीज़ें इसमें जा रही हैं, इसलिए मैंने अलग से चाट मसाला नहीं ऐड किया। थोड़ा अजवाइन ज़रूर से ऐड करना, थोड़ा स्वाद भी बढ़ता है एंड पूरी को डाइजेस्टिबल बना देता है अजवाइन। ऐड किया मैंने स्वाद के हिसाब से नमक, चाट मसाला अगर आप मिला रहे हो तो नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा, उसमें काला नमक का पोर्शन रहता है। ऐड किया है मैंने 1 चम्मच जैसा घी इसके अंदर। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका एक डो बनाना है, और ये भी लूक वार्म वाटर से डो बनाइएगा, तो आपकी जो पूरियाँ है ना वो बहुत सॉफ्ट रहेंगी काफ़ी लंबे समय तक। और पूरी का आटा टाइट लगाना है, जब आप ट्रैवल के लिए पूरियाँ ले जाते हो तो टाइट डो से ही उसे बनाना होता है। ये मैं आपको आटा दिखा दूँ, बहुत अच्छा आटा तैयार हो गया। एक तो ये टाइट भी है जैसा मुझे चाहिए, एकदम पत्थर जैसा टाइट भी नहीं बनाना होता, बट अच्छा खासा टाइट आटा बना है। और बहुत अच्छा से गूंदा हुआ आटा आपका होना चाहिए, जो जिस पे क्रैक्स नहीं हो, सूखा सूखा सा नहीं लग रहा हो। तो बढ़िया आटा तैयार हो चुका है, इसे मैं रेस्ट करने रखूँगी 10 मिनट्स। एक
इतने में जो फोकाशा है इसका डो जो है वो फर्मेंट हो चुका है। आप देखें कितना बड़ा हो गया है, डबल से ऊपर आ गया है ये। तो जिस ट्रे में आपको ये बेक करना है अब सारी प्रोसेस उसी में होगी। कोशिश कीजिएगा जैसा ट्रे मैं ले रही हूँ इसी तरह का ट्रे आप लीजिएगा जिसके वॉल्स हो, क्योंकि अच्छा ना राइज होता है। और इसमें मैंने डाल दिया है ऑलिव ऑयल और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है ये जो आपका डो है ना, ये बस सिंपली इन्वर्ट कर दें, ये अपने आप ड्रॉप हो जाता है। और उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करना ना भूलें क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है। और आप कैसे देख रहे हो स्क्रीन पर, इस तरह इसको फोल्ड करते जाइए तो ये बिल्कुल स्मूथ आपको दिखने लगेगा। और दो चार छः बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर में करके आप थोड़ा सा शेप दे सकते हो। और अब ये वापस से जाएगा सेकंड प्रूफिंग के लिए और ये अपने आप ही पूरी ट्रे में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा बस एक स्क्वायर जैसा लंप बीच में बना दीजिए, शेप ये अपने आप ले ही लेगा। इसको क्लिंग फिल्म से मैंने वापस से रैप किया है और यहीं पर ही छोड़ दिया था इसको प्रूफ होने के लिए। ये देखिए 15-20 मिनट 25 मिनट जैसे लगे होंगे और ये पूरा अच्छी तरह से वापस से फैल चुका है कढ़ाई के ट्रे के अंदर। कढ़ाई बोलने की इतनी आदत हो गई है मुझे। और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, आपके जो फिंगर टिप्स हैं इसको ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा पोक कर दीजिए आपका जो डो है। इसके बाद मैंने पार्मेजान मंगाया था, मैं तो थाइम भी मंगाना चाह रही थी बट वो ना तो ब्लिंकिट ना तो इंस्टामार्ट पे अवेलेबल था मेरे एरिया में, तो मेरे को पार्मेजान मिला तो मैंने ये मंगा लिया है। और इसको थोड़ा सा इस तरह ग्रेट करके टॉप पर ऐड कर दीजिए। और ये ब्रेड इतनी बढ़िया बनती है ना, आप एक बार बना के देखना, एकदम ही आसान है। मैंने पार्मेजान पहली बार मिला है, फुकाशा तो मैं बनाती रहती हूँ पर मुझे पहली बार मिला और पहली बार मुझे हिम्मत आई इतना खर्चा करने की, तो मैंने वो मंगा लिया। आपके पास नहीं है या आप इतना खर्चा नहीं करना चाह रहे हो तो कम्प्लीटली ओके, उसके बिना भी आप बना लोगे, बट ये ऑथेंटिकली इस तरह से ही बनाया जाता है। और इसके बाद आप इसे बेक करें प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे, 220 भी आप कर सकते हो, फॉर 30 मिनट्स। ये बहुत जल्दी अच्छे से बेक हो जाएगा, ऊपर से पूरा ब्राउन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ डन। एंड हस्बैंड आ चुके थे घर पे तो अब टाइम है चाय पीने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो मैं बनाने लगी हूँ ब्राउनी, उनके ऑफिस से डिमांड थी तो मैंने एक बोल के अंदर 1/2 कप ले लिया है बटर, ये रेगुलर सॉल्टेड बटर है, और 1 कप ले लिया है चॉकलेट, ये चॉकलेट कंपाउंड है, मैंने वैनली डार्क चॉकलेट लिया है यहाँ पे। और ये दोनों को मैं डबल बॉयलर पर अभी मेल्ट होने के लिए रखूँगी। और 20 मिनट बेक हो जाने के बाद आपका जो फुकाशा है इसका जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर दीजिए 250 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट के 10-12 मिनट जो है वो उसी टेम्परेचर पे इसे बेक होने दें। जो चॉकलेट और बटर है ना, मैंने इसको डबल बॉयलर पर रख दिया है पिघलने के लिए, और मैं चाय पीने बैठी हूँ इसलिए मैंने इसको स्लो पे रखा हुआ है। ये आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी 10-10 सेकंड करके कर लीजिए। नीचे बटर पिघलने लगा है तो मैं थोड़ा इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूँ तो चॉकलेट भी जल्दी से पिघलने लगेगी। और यहाँ पर ओवन मेरा बंद हो चुका है, 0 हो चुका है, और मैं ये आपको दिखाऊं, वाह इसकी खुशबू, ओफो। हस्बैंड अंदर पैकिंग में बिजी थे, बाहर आके बोलते हैं यार क्या बना रही हो, क्या खुशबू आ रही है, लुक एट दिस ब्यूटी, इट इज़ ब्यूटी, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। एंड इसे आप एज इट इज़ भी खा सकते हो बट इसके सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं। मैं इसे यहीं रख रही हूँ वापस, ओवन बंद है मेरा बट ये अंदर थोड़ा सा अभी हीट में और अच्छा ब्राउन हो जाएगा। ये ब्राउनी की रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं वेट कर रही थी ओवन खाली हो जाए तो मैं इसको रखूंगी बेकिंग के लिए। तो मैंने 1 कप यहाँ पे फ्लावर ले लिया है, आप मैदा ले सकते हो चाहे तो गेहूं का आटा ले सकते हो। इसमें से 2 टेबलस्पून फ्लावर जो है उसको रिप्लेस करना है 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के साथ, मतलब 2 टेबलस्पून मैंने आटा निकाल लिया था और 2 टेबलस्पून कोको फ्लावर ऐड कर दिया है, कोको
पाउडर एंड देन इसमें हाफ अ कप शुगर ऐड किया है एंड हाफ टी स्पून ऐड किया है मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, इसमें सोडा नहीं डलता है। देन सिफ्ट इट वेल, इसको दो चार बार सिफ्ट करेंगे तो और भी अच्छा है, बट एक बार तो ज़रूर से इसको छान लीजिए। मिक्स इट वेल एंड जो हमारे वेट इन्ग्रीडियंट है इसके अंदर 1 टी स्पून जैसा वनीला एक्स्ट्रैक्ट मैं ऐड कर रही हूँ एंड देन मिक्स इट वेल। आप देख रहे हो अभी बटर पिघलने की वजह से थोड़ा लिक्विड जैसा लग रहा है, पर इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की, बहुत ज़्यादा स्मूथ आपका मिक्स रेडी होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब ब्राउनी बनाते हो ना तो इसमें आप बटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी कम ज़्यादा कर रहे हैं, चॉकलेट की क्वांटिटी कितनी कम ज़्यादा कर रहे हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ से इसके जो टेक्स्चर है उस पर फ़र्क आता है। हाफ कप मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दिया था एंड बहुत ही स्मूथ सिल्की जो मिक्स है वो रेडी हो गया है। अब ये वेट मिक्स को ड्राई मिक्स में ऐड कर दीजिए, कट एंड फोल्ड से मिक्स करेंगे और इसमें दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हाफ कप जैसा, 1/3 कप तक भी लग सकता है, बट 1/4 कप, हाफ कप का है मैंने, 1/4 कप जैसा आपको इसमें मिल्क चाहिएगा। ये देखिए कितना स्मूथ इसका मिक्स तैयार हुआ है। मेरे जो मिक्सेस में हल्के हल्के आपको ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने कैस्टर शुगर लिया था, आप पाउडर शुगर लेंगे तो ये ग्रेन्स नहीं दिखेंगे, ये एकदम स्मूथ बनता है। अच्छी तरह से टैप करके इसको पार्चमेंट लगाई हुई टिन के अंदर आप इसको रख दीजिए एंड देन इसको बेक होने रखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों ही रॉड ऑन करके, फ़ैन ऑन करके अराउंड 30 मिनट, फोकाशा को भी दोनों ही रॉड ऑन करके एंड फ़ैन ऑन करके ही आपको रखना है। एंड लुक एट इट, बिल्कुल भी कहीं से पूफ नहीं हुई है, कहीं से भी ज़बरदस्त राइज नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी इवन सरफेस वाली ब्राउनी बनी है। इसके लिए ख़ास हस्बैंड के ऑफिस से डिमांड आती ही रहती है, तो अभी वो लोग सब ट्रिप पे आ रहे थे तो फ्रेंड सेड कि सर आप ब्राउनी ज़रूर लेकर आना, तो इसलिए फिर हस्बैंड ने मुझे पहले ही दिन बता दिया था तो मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है इकट्ठे कर लिए थे एंड आई मेड ब्राउनी ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। अभी ये जो मसाला पूरी है ये बना लेते हैं, आटा जो है अच्छी तरह रेस्ट हो चुका है तो इसके छोटे छोटे बॉल्स में निकाल लूँगी एंड इनको फ्राई कर लेंगे। और ये मसाला पूरी, इनफैक्ट जितनी भी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं ये सभी 4-5 दिन आराम से रह जाएंगी। इसको अलग से फ्रिज या ऐसे वैसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी ट्रैवल करते हुए इसलिए मैंने बोला 4-5 डेज़ ये बिल्कुल अच्छी रहती हैं, बिगड़ती तो उसके बाद भी नहीं है। बस एक थोड़ा सा ये है कि ड्राई आपको लगने लगेगा और सीड्स वाले मिक्स में आपने अलग से कुछ एक मिलाया, जैसे मैंने ज्वार पफ मिलाया तो वो थोड़ा फिर मॉइस्चर पकड़ने लगता है तो वो वाला जो एकदम क्रिस्प एंड फ्रेश वाला मज़ा होता है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगता है, बट ये ऐसे स्टेल नहीं हो जाती, एकदम ख़राब स्पॉइल नहीं हो जाती हैं ये सभी चीज़ें। तो मसाला पूरी का आटा इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइट लगाया, इसमें भी मॉइस्चर कम रहेगा तो ये काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसमें सारे ही मसाले एंड फ्लेवर्स ऐड कर दिए हैं तो इसको ऐसे ही चाय वाय के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है। और जब हस्बैंड वापस आएंगे तो शायद वो हमारे लिए थोड़े बहुत सामान लेकर आएंगे, सोविनियर्स वो हमेशा लेकर ही आते हैं, जिस भी जगह जाते हैं वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे लिए तो वो लेकर आएंगे ना, तब मैं आपको जब भी वो सब चीज़ें दिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी वो कहाँ गए थे, तब आपको सब पता भी चल जाएगा चीज़ें देख कर। ज़्यादातर ऐसा होता ही है, पर्टिकुलर चीज़ें पर्टिकुलर जगह से ही पिक करते हैं हम लोग सोविनियर के तौर पर, तो तब मैं आपको डेस्टिनेशन रिवील करूँगी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर फटाफट से पूरियाँ छाप रही हूँ। ये चिमनी के लिए बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, तो अच्छी है ये, और मैं हमेशा जब भी फ्राइंग करती हूँ तो उसके बाद इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, वैसे तो क्लीन ये होती ही रहती है बट फ्राइंग के वक्त थोड़ा सा तेल ऊपर चिपक जाता है। तो ये ग्लास है, दूसरा ब्लैक है, तो तेल के वो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स ना उस पर दिखते हैं इसलिए उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। ड्रॉपलेट भी नहीं होते, वो ऐसे छोटे छोटे से, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे
पानी की बौछार से हो जाने के बाद वो कैसा कैसा रह जाता है ना स्टेन से, तो इसलिए इसको तुरंत क्लीन कर दें तो साफ़ रहता है। ब्राउनी मैं आपको काट के दिखा दूँ, अंदर से टेक्सचर भी दिखाऊंगी, बिल्कुल बढ़िया जैसे ब्राउनी आपको पसंद आती होगी ना, ये उसी तरह की है ब्राउनी। उस तरह से राइज नहीं होती, उस तरह से उसके अंदर जालियाँ नहीं बनती जैसा कि केक में होता है। लुक एट इट, अंदर से कैसा मैं आपको क्या बताऊँ। आप ये बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी खाने में, आप ये रेसिपी बार बार रिपीट करना चाहेंगे, ये इतनी अच्छी बनती है। और यहाँ पे एवरीवन वाज वेटिंग, गरम गरम ब्राउनी का मज़ा ही अलग होता है। तो शर्मा जी, सानवी, खुशी सब लोग वेट कर रहे थे मैं कब काटूँ सो दैट वो लोग टेस्ट कर सकें। और जो ब्रेड है ये तो कब की तैयार हो चुकी थी, इसका थोड़ा ठंडा हो जाने का मैं वेट कर रही थी। कवर करके हमेशा इसको ठंडा करें वरना ये बहुत कड़क हो सकती है किनारों पे से। और उसके बाद फिर आप जैसे चाहें वैसे इसके पीसेस काट लीजिए। मैं जैसे ब्रेड, अच्छी जो सैंडविच ब्रेड होती है ना उसके जैसे दिखें स्लाइसेस, ऐसा इसको काट रही हूँ। एंड लुक एट इट, कितना अच्छा इसके अंदर से जाली बनी है। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होती है गर्मा गर्म, अंदर से एकदम सॉफ्ट, लेकिन जैसे बाकी ब्रेड बिहेव करते हैं रखे रखे ये अंदर बाहर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, इसकी क्रस्ट फिर उतनी क्रिस्पी नहीं रहती है। और इससे अमेजिंग सैंडविचेस बन सकते हैं। आप इसको इस तरह से बस काट लीजिए और नाउ दे आर लाइक टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और इसके बीच में जो भी चाहे आप वो स्टफिंग कर सकते हो, सिर्फ लेटस, खीरा, प्याज, टमाटर रख के भी खा लेंगे ना तो भी ये अमेजिंग लगता है, क्योंकि ये ब्रेड अपने आप में एकदम फ्रेश है ना, घर का मस्त, इसी का टेस्ट बहुत अमेजिंग है। और ये देखिए, ये हस्बैंड की पैकिंग चल रही है, जब बीच में छोड़ के वो बाहर गाना गा रहे हैं।